ये तो आयरन डेफिशिएंसी, ये तो कैल्शियम डेफिशिएंसी,
विटामिन ए डेफिशिएंसी है, लाइकोसिस्टिन होता है। उसका क्या होता है, बाय बहुत सारे ध्यान के जो बिजनेस है उसको शुरू होने लगता है। आपके पास टाइम था कि नहीं, आप बैंक में पैसा जमा करते हो, राइट, नहीं जमा करते हो, बहुत सारे खाने में कैल्शियम नहीं मिला बच्चे को तो वो कैल्शियम कहाँ से आएगा, बच्चे के हड्डी से आएगा, ठीक है। जो आयरन है अपना, आयरन का पता है कहाँ रहेगा, उसका आयरन का है स्टोरेज अपने लिवर में, कलेजी में, कलेजी में आयरन बहुत होती है, राइट। तो बच्चे को अगर दो दिन भी आयरन वाला खाना नहीं मिला तो अगर स्टोरेज अच्छा है तो स्टोरेज से उसको आयरन मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें कुछ स्टोरेज है, अगर बच्चे को दो दिन में चार दिन छह दिन अगर वो पोषण तत्व नहीं मिला तो स्टोरेज से आएगा, जब स्टोरेज खत्म हो जाता है तब उनको चिंता दिखाने चालू हो जाता है, ठीक है। ये जो सारे न्यूट्रिएंट है उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब उनका स्पेसिफिक काम है, यू नो, मतलब आयरन का काम क्या है, गेहूं में हीमोग्लोबिन बढ़ाना, ठीक है, विटामिन ए का क्या काम है, मतलब उसका जो लिविंग इम्यूनिटी को बढ़ाना, राइट। तो वैसे उसके अलग अलग पूरे अलग यू नो ऐसे स्पेसिफिक काम, राइट। अभी ये जो वाले हैं टाइप टू न्यूट्रिएंट, इसे काम है ध्यान, टाइप टू पे पेन है, ठीक है। और इसीलिए हमारे बच्चे 50-50 60-60 तक बच्चे, मतलब हम लोग बहुत ट्रैवल एरिया में हम लोग काम करते हैं, बहुत ट्रैवल एरिया में जो 80% बच्चे हैं हम कमजोर हैं, 80% बच्चे, हम ना के नाते हैं 80% बच्चे नाते क्यों है, क्योंकि जो उनका पढ़ने के लिए उनके हाइट बढ़ने के लिए उनके जो मसल मास को बढ़ाने के लिए जो प्रोटीन होने चाहिए पोषक तत्व खाने में वो खाने में है ही नहीं, राइट। तो वो खाने वो न्यूट्रिएंट्स है हमारा खाता है सल्फर है पोटेशियम, ये सब याद रखना है, क्योंकि मैं फिर आपको ये बहुत काम में आएगा फील्ड में, ठीक है। तो आप फिर ये सोचे कि अच्छा बच्चे को पोटेशियम मसल खाने में से पोटेशियम मिलेगा, बच्चे को मैग्नीशियम भी मिलना चाहिए उसके मसल को बनाने के लिए कौन से खाने से मिलना चाहिए, हम लोग को ये सब मालूम नहीं है, लोगों ही नोट्स के मैग्नीशियम कौन से खाने से मिलता है, राइट। तो ऑस्मोलस है, ऑस्मोलस करके न्यूक्लियर न्यूट्रिशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक पिक्चर से आपको दिखा रहा था कि जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंसी है तो उसके साइन मतलब सिम्पटम्स है, उसके साइन है, उसके चिन्ह है, वो पता चल जाता है। मतलब सपोज अगर बच्चे बच्चे अनीम में है तो उनकी आईज होगी, यू नो, और ये जो ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स है मतलब जो टाइप 1 न्यूट्रिएंट्स है, राइट, उसको क्या फर्क पड़ेगा, बच्चे की हाइट कम हो जाएगी, उसका जो मसल मास है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हमारे जो टाइप बच्चे को एक बार तो मिल जाते हैं कि चलो दो बार खिलाया, तीन बार खिलाया, चार बार खिलाया, वो भी ठीक है, लेकिन जो बच्चों डाइवर्सिटी है वो इतना कम है हमारे बच्चों में, मतलब कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है, धान्य है, ठीक है। फिर ये जो हम लोग गुजरात
गुजरात के राजस्थान के हम लोग को तंदूर की बात अपना बहुत अच्छी है ही नहीं तुवर की दाल मतलब यू आर सो फ्री ऑफ योर मटर तुवर की दाल लेकिन आपको भी सोचना है कि बहुत सारी दालें हैं सिर्फ तुवर की दाल नहीं है तो ये जो जो काम होते हैं ये चोली चोला बोलते हैं भैया जी पे इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी आप छह महीने से बच्चे को चालू करे अंडा चालू करे लिवर चालू करे लिवर पे मैंने बताया पहले की मैं आयरन बहुत होता है लिवर में बहुत जिसमें प्रोटीन होता है मैग्नीशियम होता है वो अपने जिंक फेंक रहे हो तो जो फेंक रहे हो उसमें तो गोल्ड है उसमें तो सोना है ठीक है तो वो सोना आपको फेंकना नहीं है ठीक है क्योंकि इससे बच्चे का वजन बढ़ेगा दूसरा मूंगफली है लोग मूंगफली मेरे तो ट्रेनिंग अमेरिका में हो चुकी है मैं अभी भी अमेरिका में काम करती हूँ वहाँ के बच्चे जो पीनट बटर बोलते हैं पीनट बटर जो शिंगा का जो मतलब ऐसे मक्खन बनाते हैं वहाँ पे यू नो वो लोग वहाँ पे इतना वो खाते हैं और यहाँ पे हमारे गुजरात की तो इतना भर भर की मूंगफली है तो बच्चों के खाने में वो डालो ना उसका पाउडर उसका मक्खन बनाओ बच्चों को रोटी में लगा के दो उससे बच्चे का आयरन भी पड़ेगा कितना सारा आयरन न्यूट्रिएंट पड़ेगा ठीक है और जो हल्दी है देखिए वापस चोली आई देखिए मैंने बताया था ना चोली भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है टर्मरिक अपने जो ये बोलते हैं ना अपने हल्दी हल्दी बच्चे के खाने में भी आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो सॉल्ट मत डालो एक साल तक लेकिन हल्दी तो डाल सकते हो तो हल्दी में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है ठीक है ड्राई कोकोनट है कोकोनट जो होता है ना अपना कोबरा फिर सारे फ्री वेजिटेबल्स है दालें हैं सारे ठीक है और एक बार आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप वेजिटेरियन खाना दे रहे हैं आयरन रिच वेजिटेरियन खाना तो उसके साथ आपको विटामिन सी रिच खाना देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विटामिन सी खाना देंगे तभी उसका शोषण होगा जो आयरन का शोषण जो होना चाहिए ना विटामिन सी रिच होगा तो कहीं कुछ भी है अगर घर में तो वो आप बच्चे को खाने के बाद थोड़ा दे सकते हो ठीक है खाने में मत डालना मतलब नींबू डाल सकते हैं लेकिन बहुत सारी मदद क्या करती है कुछ खाना बनाया उसमें उन्होंने एप्पल डाल दिया और फिर उसमें उन्होंने कुछ और डाल दिया तो एकदम मीठा करके बच्चों को खाने को खाया ठीक है ठीक है दूसरा है विटामिन ए ये एक WHO का ये पूरा एक फूड ग्रुप है ठीक है WHO ने लगभग 8 फूड ग्रुप बनाए हुए हैं इसमें से एक फूड ग्रुप है विटामिन ए रिच फूड सारा जो हरा सब्जी है जो आपके वहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र में तो आड़े बोलते हैं लेकिन गुजराती में हम लोग पात्रा बोलते हैं मैं गुजराती हूँ तो गुजराती हम लोग पात्रा बोलते हैं ये जो पात्रा जो पाते की जो है वहाँ पे विटामिन ए की मात्रा इतनी ज्यादा है और क्या होता है कि जब ये सीजन आता है और तभी आप उसको बच्चे को ज्यादा विटामिन ए देंगे तो वो ज्यादा जो होगा वो लिवर में स्टोर होगा जो बच्चे का कलेजा होता है उसमें से स्टोरेज हो जाता है उसको स्टोर को भर दो मतलब जैसे जब भी हमारे को भी जब भी हम लोग को ज्यादा कमाई होती है तो हम लोग बैंक में ज्यादा डालेंगे तो कभी मुश्किल आ जाएगी तो फिर हम बैंक से थोड़ा निकालेंगे तो जब भी आपको वो फैट जो सॉल्युबल विटामिन्स है जो लिवर में जो जमा होता है तो जब भी सीजन होती है तो उसको वो बैंक को भर दो ठीक है तो ये सारे है विटामिन ए रिच प्रोटीन अभी प्रोटीन के बारे में है टाइप 2 अगर बच्चे की हाइट बढ़ानी है बच्चे का मसल मास बढ़ाना है उसका जो मास जो होता है ना उसके जो मसल मास तो वो मास बढ़ाने के लिए आपको बच्चे को ये देना ही पड़ेगा ठीक है हमारे बच्चे ये सब नहीं खा रहे हैं तो अंडा तो अगर हर रोज एक अंडा अगर बच्चे ने खा लिया वो समझो उसका 7 ग्राम प्रोटीन तो उधर ही उसको मिल गया ठीक है तो आप उसको मदर को बोलो कि ठीक है आप बच्चे को नो प्रॉब्लम लेकिन बच्चे को तो दूध दो ये अंडा है ना उसमें विटामिन B12 है उसमें कोलीन करके एक न्यूट्रिएंट है उसमें इतने सारे कोलेस्ट्रॉल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी स्प्रे कोलेस्ट्रॉल करके ना जो तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि नहीं मैं पिला नहीं दूंगी मैं सफेद नहीं दूंगी पूरा अंडा उसको पका के देना है ठीक है
देखिए वापस बीच आ गए जा रहे, ठीक है। बच्चा 6 महीने से ऊपर का दूध मत चालू करो क्योंकि माँ का दूध चालू है, लेकिन आपको वो बच्चा दही खा सकता है। घर में अगर माँ को आपने पनीर सिखा दिया तो पनीर भी वो बना सकती है, ठीक है। लेकिन दही तो मतलब खा ही सकता है बच्चा। दही में क्या होता है कि अच्छे जो कीटाणु है वो दही में है, ठीक है। फिर तिल है, तिल वापस देखिए सारे जो चीज है सारी की सारी जो सब वापस आ रही है, ठीक है। ये सारे अलग अलग बीज है। मुझे मालूम है कि राजस्थान और गुजरात में तो बीज बहुत बाहर भर के मिलते हैं, तो ये है जो आपके जो उसको क्या बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं, जो शक्कर देखी होती है ना उसके बीज है, उसके पाउडर बना सकते हैं। ये सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड्स है, बरियाली है, ये सफेद तिल है, काले तिल है, अलग 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 देखिए आप, ठीक है। तो उसका आपको शेक के उसको पाउडर आपको डेफिनेटली बनाना है। अच्छा, अभी मैंने बताया था आपको ओमेगा 3 मतलब जो हमारे दिमाग के लिए चाहिए, बच्चे के दिमाग के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो भी नॉन वेज प्लीज हैव फिश, फिश इज वेरी हाई इन DHA, ठीक है। अंडा इज गुड टू, लेकिन अगेन देखिए वापस पी जाए, आप सोचते होंगे कि अरे मैं बीज तो कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं तिल खाता हूँ, तिल खाती हूँ, लेकिन 14 जनवरी को तिल खाती हूँ, तिल के लड्डू, राइट, फिर तिल चला जाता है। तो आपको वो अभी तिल के लड्डू नहीं खाने, क्योंकि लड्डू में होगा शक्कर, तो शक्कर से भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन तिल का कुछ बना के आपके सब्जी में डालेंगे, ठीक है। ये है फोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। फोलेट आप लोग फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं ना, प्रेगनेंट मदर्स को देते हैं फॉलिक एसिड की गोली, तो फॉलिक एसिड तो कैंसिल है, लेकिन जो खाने में होता है उसको हम लोग फोलेट बोलते हैं। तो ये सारा जो अंकुरित खाना है, नॉनवेज खाना है, यू नो उसमें फोलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और दूसरा आप लोगों ने क्या देखा है, CNS का जो रिपोर्ट आया है ना अभी, जो बच्चों के ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे बच्चों को फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो आयरन पे तो काम करना ही है, लेकिन फोलेट विटामिन B12 ऐसा खाना भी बच्चों को देना है, ठीक है। यह जिंक मतलब आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कैसे बढ़ानी है, तो बच्चों को ये सारा खाना दीजिए। वापस तो वापस वही आ रहा है, देखिए आप सारे जो चार्ट है, ये मैग्नीशियम, ठीक है। नॉनवेज खाने में मैग्नीशियम नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो आपको अगर नॉनवेज बच्चा है तो उसमें ये सब खाना उसमें डालना पड़ेगा, माँ को बताना पड़ेगा कि यू नो सेसमी सीड या तिल डालो, ये डालो, वो डालो, ठीक है। मैग्नीशियम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मसल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मसल, बहुत टाइम क्रैम्स आते हैं, बच्चों को भी क्रैम्स आते हैं, पैर में दुखता है, ये होता है, कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो अगर मैग्नीशियम वाला खाना खाएगा तो वो सारे रोग सब निकल जाएंगे, ठीक है। ये है पोटेशियम, अगेन टाइप 2 न्यूट्रिएंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, हम ब्रेन के लिए नहीं मसल के लिए, लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो वापस देखिए ये सारे पूरे खाने है ना, ठीक है। तो डाइट की डाइवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप करेंगे जिससे वो एंटी न्यूट्रिएंट, देखिए हमारा जो वेस्टर्न खाना है ना उसमें एंटी न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिएंट मतलब उसमें ऐसे अलग अलग तरह के पदार्थ है जो अमुक तरह की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको शोषण होने से रोकते हैं, राइट। क्योंकि शोषण होना बहुत जरूरी है, खाने में तो आ जाएंगे, लेकिन खाने में से फिर पेट में जाना और पेट से फिर उसके जो उसकी रक्त वाहिनी में उसमें जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारी जो पोषण तत्व है, तो वो जो खाने में जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है जो पोषण तत्व को रोकता है उसको नीचे लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको वो कौन से आप घर में क्या क्या करेंगे जिससे वो एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो भी खाना है उसको अच्छी तरह धोना है, ठीक है। फिर उसको सपोज आपके यहाँ पे राइस है, या तो आपका दालें है, या तो यू नो बीन्स है, तो साबुत होते हैं उनको सोक करना है मतलब उसको भुगाना है, ठीक है। और फिर जो साबुत है उसको अंकुरित करना है, जितना आप अंकुरित करेंगे उतना उनका जो एंटीन्यूट्रिएंट फैक्टर वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको करना बहुत जरूरी है, रोस्ट भी कर सकते हैं, रोस्ट मतलब उसको शेकना, मतलब अगर आपने तिल लाए कुछ बीज लाए तो उसको शेक के उसको शेकना है पहले, ठीक है, रोस्ट करना है, फिर उसको बच्चे को खाने में देना, ठीक है। तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
है। और दूसरा मैं बहुत इम्पोर्टेंट ये है सारे फॉलोअर्स बनाना, क्योंकि 6 महीने से 24 महीने के बच्चे ना मतलब वो 8 महीने के बाद वो चबाना चालू करते हैं, लेकिन पाउडर होगा ना कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर बच्चे के खाने में डालेंगे जिससे ये है अपना कड़ी पता है, कट पता है कि नहीं, तो उसको क्या है कि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये डाला आपके दाल में, तो सबसे पहले आप ही निकालेंगे वो ये आप कड़ी पत्ते खाएंगे नहीं, तो आपको देख के वो बच्चा भी सीखेगा कि चलो उसको निकालना है, मतलब ये तो कुछ कचरा है बच्चे को निकाल दो, राइट, ये कचरा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने मतलब दाल के इसका पाउडर डाल दिया तो बच्चे कैसे वो निकालेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर है, ठीक है, तो बहुत कम समय में डालना है। देखिए ये क्या हमारी स्टडी हुई थी, तो मैं इतना डिटेल में मैं दिखाती हूँ कि ये हम लोगों ने एक राइस टोकला बनाया था, और एक डॉक्टर लगता है वो मेरे साथ काम करती है न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसके कॉलेज में ना वो यूनिवर्सिटी में है वो, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने हम लोग गुजराती में ढोकला बनाते हैं ना, वो राइस का डाल कर ढोकला बनाते हैं, राइट, उन्होंने वो ढोकला बनाया, एक सेक्शन में ढोकला बनाया, दूसरे में उन्होंने क्या किया कि देयर वर 3 वेरिएशन, तो दूसरे वाले जो था उनका उसमें उन्होंने वो करी पत्ते का पाउडर डाला, ठीक है, और जो तीसरा सेक्शन था उसमें उन्होंने कड़ी पत्ते का भी पाउडर डाला, और फिर उन्होंने जो अपने बोलते थे सरगवा शेवगा मतलब शेवगा और सहजन, मतलब हिंदी में सहजन बोलते हैं उसको, सहजन का पत्ते का भी थोड़ा पाउडर डाला, और फिर उन्होंने क्या डाला उसमें नट्स एंड सीड्स का पाउडर डाला, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने अगर अलग अलग तरह से खाना बनाया तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है जो पोषक तत्व कितने बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये है, ये पहला वाला है प्रोटीन, तो सिर्फ राइस टोकरा था इसमें कितना प्रोटीन था, और जो तीसरा वाला था जिसमें तिल का पाउडर डाला, शेंगदाने का पाउडर डाला, सहजन के पत्ते का पाउडर डाला, कड़ी पत्ते का पाउडर डाला, देखिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर फैट की मात्रा भी जो मतलब ऑफकोर्स अच्छी फैट होती है जो सीड्स में, उसकी फैट की मात्रा भी बढ़ गई, बच्चे को फैट भी चाहिए, चर्बी चाहिए उसको, ठीक है। तो कूलिंग में बता रही थी ना, कूलिंग जो बच्चे के दिमाग के लिए चाहिए, देखिए कूलिंग की मात्रा कितनी बढ़ गई, देखिए आपने, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आप घर पे बना रहे हो उसमें अगर थोड़े ही से पाउडर डालेंगे ना, तो बच्चे को ही नहीं हम लोग को भी बहुत देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के मात्रा देखिए कितनी बढ़ गई, सिर्फ राइस टोकले में लगभग 10 मिलीग्राम कैल्शियम है, लेकिन ये सब पाउडर डालने के बाद लगभग 50 to 55 ग्राम ऑफ कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है। ये है आयरन, देखिए सारे जो मैंगनीज कॉपर ये सारे की मात्रा बढ़ रही है, देखिए मैग्नीशियम में टाइप 2 माइक्रोग्रेन फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ऐसे कौन से पाउडर आप मदर बना सकते हैं, तो घर में बनाएंगे, आपको नहीं दे रहे कि जरूरत नहीं है, जिंक है, सारे सेलेनियम है, ठीक है। अभी ये तो मैंने बता दिया कि बच्चे के खाने में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये बहुत ये गया खाने में तो बच्चे को आगे जाके जैसे मैंने बताया ना कि हमारे भारत में 33% बच्चों को लिवर में फैट है, राइट, वो फैट कहाँ से आए, ये फैट आए हैं हमारे शुगर से, जैगरी से, मैदे से, रिफाइंड ऑयल से आई हुई है, टू मच सॉल्ट, ट्रांस फैट, बच्चों को हम लोग बिस्किट देते हैं, बच्चों को क्या क्या देते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में देना जरूरी है, ये हमारी रेसिपीज है न्यूट्रिएंट्स का, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारा IIT बॉम्बे ने हम लोगों के सारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है, मदर के लिए बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, आपकी भाषा में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है एक न्यूट्रिशन पाउडर, इसमें हम लोगों ने 6 तरह के अलग अलग पाउडर दिखाए हुए कैसे बनाने हैं, मदर को बनाने हैं, लेकिन आप देखना जरूर देखना। देखिए ये सारे अलग अलग पूरा हम लोगों ने साइंस सिखाया हुआ है, ठीक है, और फिर रेसिपी से बताइए कि मदर को कैसे, ठीक है, तो बहुत मतलब साइंटिफिकली हम लोगों ने ये सारा बनाया हुआ है। तो ये है पीनट बटर, तो ये भी इसकी भी हम लोग रेसिपी बनाने वाले हैं, मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी, अभी वी डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम ऑन दैट। अभी ये है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 9 से 11 महीने, 12 महीने पे कितना खाना देना है, ठीक है। तो अभी ये इट्स वेरी इट्स अ स्किल
स्किल है, मतलब स्किल इंडिया बोलते हैं ना, तो मदर नीड्स टू नो कि वो अगर कुछ स्किल उनको सिखानी है कि 6 महीने पे कैसे वो खाना चालू करेगी, कौन सा खाना चालू करेगी, कितना देगी वो, ठीक है। तो ये पूरा उसका चार्ट है, यू नो, तो वो उसके हम लोगों ने अगेन 2 वीडियोस अभी रेडी हुए हैं, हिंदी में है, उसमें बहुत सारा डिटेल है, 10-10 मिनट के वीडियो है, ठीक है, पूरा 20 मिनट का 2 वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो वो आप अपने लाइक यू कैन वॉच इट एंड यू कैन लर्न कि कितनी बार देना है ये सब, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये लोग बहुत थ्योरी है, थ्योरी में आई डोंट नो जी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी मतलब कितना भाड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो आप देखेंगे कि जब भी माँ वो चावल और दाल देती है, इतना पतला देती है, और पता है क्या बोलते हैं, चावल पानी भात नोड़ा पानी भात में ओसामण, लाइक इन गुजराती जैसे भात में ओसामण, राइट, देन दाल नो ओसामण, ओसामण इज वाटर, राइट। अब आप सोचिए कि बच्चे को जब पानी मिलेगा उसमें कुछ ज्यादा होगा ही नहीं, तो बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को जो खाना दे रहा उसमें बहुत अच्छी तरह उसकी जो स्पिनच है, देखिए कितना गाढ़ा है, देखिए सारी जो पेस्ट है बहुत गाढ़े होनी चाहिए। ऐसी पेस्ट सिर्फ 6 महीने के बाद कंप्लीट होने के बाद पेस्ट देनी है, और 1-1.5 महीना ही देनी है, ज़्यादा मत दो, ठीक है। तो ये बच्चे को सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको चुपटाने का सिखाना है हम लोग को, तो जितना जल्दी सिखाएंगे उतना बच्चा सब अलग अलग तरह का खाना खाएगा, ठीक है। और 7.5 महीने के बाद आप यू नो जस्ट मैच फूड दे सकते हो। नाउ एज अ डॉक्टर आई एम नॉट टू मच फॉर गिविंग सॉलिड, मतलब बहुत कड़क खाना आपको 6 महीने से नहीं चालू करना है, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर हूँ अमेरिका में, हम लोग के वहाँ पे बहुत चोकिंग एपिसोड होते हैं, चोकिंग मतलब यहाँ पे फंस गया, तो आपको ध्यान में देना है कि मतलब एज अ मैच यू नो लाइक अ प्योरिंग फूड, पहले 1.5 महीना प्योरिंग फूड, उसके बाद मैच खाना देना है, ठीक है। तो ये है हमारे टूर में से हम लोगों ने लिया हुआ है कि कैसे खाने को बनाना है, उसको माँ का दूध से भी हम जो खाना पका सकते हैं, बच्चे का खाना पका सकते हैं, कितना उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, देखिए 8 महीने में 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, अपने आधे वाटी, ठीक है, 9 से 11 महीने में लगभग 5 टाइम दिया हुआ है आधा वाटी, और 12 महीने के बाद बेसिकली बिकम्स अ फुल वाटी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। तो फिर ये आपको ध्यान में रखना है कि कितनी बार देना है, कैसे देना है, ध्यान में रखिए आप। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो शेलफिश है, प्रॉन्स है, झींगा है, वो 1 साल तक मत लीजिए, क्योंकि उससे एलर्जी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। फ्रूट जूस मत लीजिए, शुगर नो शुगर चाहिए नहीं, क्योंकि अभी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की यू नो अभी आई हुई है, मैं थोड़ा मेरा बैटरी कम हो रहा है, तो आई विल जस्ट शिफ्ट टू दिस वन, तो मेरा कनेक्शन ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि यू नो नो फ्रूट जूस, नो शुगर, नो जैगरी। तो IIT का जो हमारा नया गाइडलाइन आया हुआ है, आई एम पार्ट ऑफ दैट IIT गाइडलाइन, तो उन्होंने बिल्कुल ना बोला है कि डोंट गिव शुगर जैगरी। क्यों ना बोला है, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक पेपर आया हुआ था 2017 में, तो उन्होंने पेपर में लिखा हुआ है, साइंटिफिक पेपर है, रिसर्च पेपर है, उन्होंने बताया है कि जो बच्चे 2 साल के अंदर शुगर जैगरी मतलब आपकी गुड है, शक्कर है, वो वाला खाना खाएंगे, तो उसको आगे करके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इंडियन अकेडमी पीडियाट्रिक्स ने बोला है नो शुगर नो जैगरी। एक्चुअली मैं तो बताती हूँ कि बड़े बच्चे को भी नहीं देना है, हम लोग को भी नहीं खाना है शक्कर और जैगरी, मत खाइए, ठीक है। जूस मत खाइए, अगर खाना है तो एक कोई भी फ्रूट खाना खाने के बाद खा सकते हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बनाए हुए हैं, तो ये है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का वीडियो है, यूट्यूब पे है, आप तो प्लीज देखें ना, ठीक है। और दूसरा वाला है, ये सेकेंड पार्ट है, तो ये भी हम लोगों ने अभी गुजराती में होने वाला है, लेकिन हिंदी में ऑलरेडी रेडी है, तो ये भी आपको यू नो इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ 8 महीने के बाद जो है, हम लोगों ने थोड़ी सी रेसिपीज बनाई हुई है, जैसे हम लोगों ने सपोज ये एग ब्रेड, ठीक है, तो मुझे ये बताना था कि सपोज आप बच्चे के लिए एग ऑमलेट भी बना रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें डालनी है जस्ट टू इंक्रीज डाइवर्सिटी, तो अंडा तो एक हो गया, लेकिन अंडे में अगर आपने थोड़ा गाजर डाल दिया, थोड़ा उसमें कैबेज मतलब गोभी डाल दी, पत्ता गोभी डाल दिया, थोड़ा उसके अंदर अनियन कांदा डाल दिए, थोड़ा सा पाउडर डाल दिया, नट पाउडर या सीड पाउडर, तो मतलब देखिए उसकी जो पूरी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होगी कितनी बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो मतलब वो थिंक अबाउट इट, कब जो भी बच्चे माँ को बोले कब ले लो वो लो, उस पर डाइट की डाइवर्सिटी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, ये रागी डोसा है, अलग अलग तरह के डोसा आते हैं ना, तो वहाँ पे तो आपको सारा पोत्री मिलता होगा, आपको वहाँ पे वो अमरंथ बोलते हैं उसको, राजगीरा, राजगीरा का भी डोसा बना सकते हैं। अलग अलग वो जो वहाँ की जो जो लोकली अवेलेबल है वो आप सोचिए। आप अभी राइस और गेहूँ को थोड़ा भूल जाइए, यू नो वो ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा भूल जाइए। अभी आप सोचिए कि हमारे उनके पहले एंसेस्टर्स क्या खाते थे, राइट? तो हम लोग खाते थे खोदरी, खाते थे वो लोग सामो, खाता था सामो बोलते हैं, बानियार बोलते हैं, रागी बोलते हैं, जवार बोलते हैं, बाजरा बोलते हैं। तो उनका पूरा रेसिपी बनाओ, और जब भी वो रेसिपी बना रहे तो उसमें सारा ये सब माँ को बोलो कि तिपति का पाउडर डालो, शेरपा का पाउडर डालो, ये डालो वो डालो, तो उसका जितना वो डाइवर्सिटी है। अब ये टिक्की बनाते हैं, लेकिन टिक्की मतलब वो बोलते हैं ना जैसे कटलेट्स जैसे टिक्की, हम लोग हमेशा आलू का टिक्की बनाते हैं। आलू को छोड़ो, आलू में से स्टार्च और कुछ है ही नहीं, तो आलू को छोड़ के आप इसका अलग अलग टिक्की बना सकते हो। मैंने बताया था ना छोला, छोला इज वेरी हेल्दी, तो छोले का टिक्की बनाएंगे तो देखिए कितना सारा हम लोगों ने उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो थिंक अगेन अबाउट डाइट की डाइवर्सिटी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप उस यहाँ का एक पिक्चर ले लो, अगर आपके फोन पे फोन है तो ये जो यूट्यूब चैनल पे ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे है, हम लोगों ने लगभग 43 वीडियोस बनाए हैं, और 40 से भी ज्यादा, और 40 आ रहे हैं। ठीक है, और पूरा जो है स्किल बेस्ड है, सिर्फ रेसिपी के वीडियो नहीं है, बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, उसको माँ को कैसे दूध निकालना है, कैसे उसको पिलाना है, कैसे सारा गेम्स के बारे में बताया हुआ है, कि प्रेगनेंसी के बारे में बताया हुआ है, जंक फूड के बारे में बताया हुआ है। आप सोचेंगे कि इतने सारे टॉपिक्स, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो प्लीज आप ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, कीप द नोटिफिकेशन ऑन, और ये जो नंबर है आप ये नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी IIT बॉम्बे की एक टीम है, मेरे साथ है, वो हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो भारत से कहीं पे भी कोई किसी का भी फोन आया तो हम लोग 24 घंटे में फोन वापस करते हैं। ठीक है, और 6 लैंग्वेज में हम लोग हेल्प करते हैं, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। ठीक है, तो 6 लैंग्वेज में हम कोई भी मदर को कुछ भी प्रॉब्लम है, लैक्टेशन का प्रॉब्लम है, दूध पिलाने का प्रॉब्लम है, या तो खाना नहीं पता है कौन सा खाना खिलाओ क्या खिलाओ, तो इस पे हम लोग किसी यहाँ से एडवाइस देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड अगर कुछ भी लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं, और मैं डॉक्टर रूपल से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सवाल आपके लिए है। एक तो जो सवाल था कि स्वास्थ्यवर्धक आहार बच्चों के लिए कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए डॉक्टर रूपल ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपने उनके जो वीडियो है वो देख लें, और यदि रूपल, डॉक्टर रूपल आप कुछ जोड़ना चाहें तो। नहीं तो मतलब जैसे बच्चा 6 महीना कंप्लीट करता है, जब जैसे उसका खत्म होता है, देन आपको मतलब हर फूड ग्रुप में से एक एक खाना, हर 3 तो चौथे दिन पे नया खाना चालू करना है। लेकिन जब भी नया खाना चालू करें तो आपको पुराना वाला खाना बंद नहीं करना है, राइट? यू टू कीप एडिंग, क्योंकि मतलब सपोज आपने 6 महीना जैसे खत्म हुआ है, सपोज पहली तारीख को आपने कुछ चालू किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडा चालू किया, राइट? तो 3 दिन आप वो अंडा देंगे, 2 टाइम, ठीक है, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, फिर चौथे दिन पे आप अंडा तो देंगे लेकिन उसके साथ कुछ और भी देंगे, जैसे जैसे दाल है। ठीक है, फिर वो दाल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अंडे को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, लेकिन फिर वो मिक्स करना है, फिर वापस मतलब 3 दिन के बाद नया खाना चालू करेंगे, तो नया खाने आपको ऐड करना है, तो ऐसे आपको ऐड करते जाना है, और जैसे आप पकाते हो घर पे ऐसे पकाना है, मतलब डोंट बॉइल इट, क्योंकि बॉइल करते हैं तो क्या होता है कि वो पानी सारा विटामिन सब निकल जाता है। यू कैन हियर मी ना? या श्योर। हाँ, तो मतलब ट्राई टू स्टीम इट, स्टीम करेंगे मतलब बाफेंगे ना वराल में, तो दैट विल बी बेटर। ज्यादा पानी नहीं डालना है, जितना हो सके आप मदर का दूध भी चलेगा खाना पकाते टाइम, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जैसे नॉर्मली जैसे
आप जैसे बनाते हो तो वैसे ही बनाना है, जिसमें छोटे पत्ता ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूपल, और यदि हमारे किसी और सहभागी को कोई सवाल है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके आप ये सवाल किससे पूछना चाह रहे हैं पहले उनका नाम बोलिए और फिर अपना सवाल पूछे। आई थिंक डॉक्टर स्मिता, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, एक और था सवाल कि जो अफोर्डेबल खाना है वो कैसे हम लोग, हाउ डू वी रेकमेंड यू नो फॉर पुअर चिल्ड्रन, राइट? तो मैंने जैसे बताया जैसे मतलब बच्चे हम लोग वो घोपला खाते हैं, राइट? तो घोपले का जो अंदर का है वो हम लोग फेंक देते हैं, तो आप लोग को ऐसा सोचना है जैसे हम लोगों ने ये सारे पाउडर्स बनाए हैं वो नॉर्मली वो लोग यू नो मदर्स दे थ्रो इट, मतलब वाटरमेलन है अगर सपोज कुछ भी शक्कर टेटी है जो उसकी जो बीज है उसको शेक के जो मूंगफली आती है, मूंगफली तो मतलब आपको मतलब 10 रुपए में अच्छा मिलेगा, दूसरा एक अंडा है, अंडा 5 रुपए में आपको अंडा मिलेगा। ऐसा नहीं है लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या करते जंक खाना खाते हैं, तो पार्ले जी का बिस्किट लेके आते हैं 10 रुपए का, तो आपको बताना है कि वो 10 रुपए का आपने पार्ले जी लाया है उसके बदले आप 2 अंडा ला सकते हो, तो आपको वो सिखाना है कि वो जंक फूड है, क्योंकि जंक फूड के पीछे वो लोग 10 रुपए तो दे ही देते हैं वो लोग, राइट? तो यू हैव टू शो कि यू नो डोंट गिव जंक फूड, उससे उससे जो न्यूट्रिएंट डेंस है मतलब पोषण से भरपूर जो खाना है वो आपको बच्चों को देना है, ठीक है? मूंगफली है, तिल है, वो तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। There is one more question, Dr. Rupal, in your chat box. Somebody is asking, Manoj Bhangari is asking, and genetics reasons some children are less higher than आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में ये WHO ग्रोथ चार्ट क्यों लगाए हुए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अमेरिका के बच्चे ज्यादा क्योंकि जेनेटिक्स वहाँ का अलग है हमारा ये है, तो मुझे बताइए कि 5 साल तक सारे जो दुनिया के सारे डॉक्टर्स हैं पेडियाट्रिशियन तो WHO ग्रोथ चार्ट एक ही ग्रोथ चार्ट लेते हैं, अमेरिका में भी वही यूज करते हैं, क्योंकि वो WHO ग्रोथ चार्ट की जब स्टडी हुई थी तो वो लोगों को पता चला कि अगर बच्चा कहीं पे भी जन्मा हो, कहीं पे भी, या तो अफ्रीका में हो या तो इंडिया में हो या तो अमेरिका में हो या तो साउथ अमेरिका में हो, लेकिन 5 साल तक अगर बच्चे को सही तरह का पोषण मां का और वैक्सीनेशन मिला है उसको, टीके मिले उसको और सैनिटेशन अच्छा था, मतलब जो सैनिटेशन बोलते हैं ना जैसे यू नो पोषण सैनिटेशन अगर अच्छा था, तो सारे बच्चे का ग्रोथ दे ऑल वर ग्रोइंग एट द सेम रेट, मतलब दे ऑल वर ग्रोइंग, तो वो जेनेटिक्स आता है लेकिन 5 साल के बाद आता है, 5 साल के पहले वो जेनेटिक्स इट्स ऑल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट, ओके? सो वो आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में जैसे मैं तो 15 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो हमारे जो स्लम के बच्चे हैं वो तो मतलब इतने लंबे, इतने तो मैं अमेरिका में भी इतने लंबे लंबे बच्चे मैंने देखे, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, सो जस्ट फोकस ऑन योर टाइप 2 ओनली, तो टाइप 2 पे आपको टाइप 1 नहीं मिल जाएगा, तो टाइप 2 वाला खाना आप देखिए तो उसमें कार्ब मिलेगा आपको, उसमें यू नो मतलब सब कुछ मिलेगा, सो फोकस ऑन योर टाइप 2। मेरा नाम ताइजा है, मैं डॉक्टर दलाल से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यूजुअली हम फील्ड में जाते हैं तो महिलाओं की ये शिकायत होती है कि बच्चा खाता नहीं है, खाना नहीं खाता है, कुछ भी रोटी नहीं खाता है, दाल नहीं खाता है, तो कुछ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे हम महिलाओं को ये बता पाएं कि ऐसा कुछ चीजें कि जिससे बच्चा खा सकता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है बाबा, मेरे घर में भी ऐसे होता चलो राइट टोटली रिलेट। तो एक्चुअली तो मैं बताऊँ, जब भी बच्चा 7 महीने का होता है ना, 8 महीने का, तो बहुत सारी मदर्स है 8 महीने के बच्चे को भी क्लोरीन देती रहती है, तो वो भी 8 महीने का बच्चा वो अगर आप जब भी वो पेस्ट दे रहे हो तो वो निकालेगा, मुँह से निकालेगा, तो 8 महीने का बच्चा बोल रहा है कि मुझे
ठीक है, तो वो तो कॉमन है बिकॉज वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 1.5 साल का 2 साल का 2.5 साल का, तो उसको क्या पता चलता है कि अभी जो मैं बोलूंगा वो मेरी माँ कहेगी, है ना, क्योंकि वो थोड़ा उसको पता चल जा रहा है कि अभी मुझे मेरा पावर है, मैं माँ को बोलूँ तो माँ उठेगी, बोलेगी बैठ जाओ तो बैठ जाएगी, है ना, मैं रोऊंगा तो माँ भी रोएगी, राइट। तो आपको माँ को बोलना है, माँ को सिखाना है कि घर में बॉस कौन है, घर में बॉस माँ है, ठीक है। जो बच्चा जो अगर बच्चा बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं खाना है मुझे वो खाना है, तो बॉस डिसाइड करेगा कि बच्चा क्या खाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं हमारे क्लिनिक में, हम लोग माँ को बताते हैं कि सपोज बच्चे आपने कुछ घर में बनाया, हाँ आपका जो चावल है सब्जी है रोटी है जो भी आपने बनाया, अगर बच्चा मना कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको बाहर का जंक खाना बंद करना है, वो तो करना ही है बंद, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी घर पर नहीं खाता है बच्चा, तो माँ बोलती चलो ये बिस्किट तो खाएगा, कुछ तो खाएगा, उसके पेट में जाएगा, कुछ कचरा है वो उसको ज्यादा नुकसान करेगा, तो वो माँ को बताना है। और फिर उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए, जैसे वो पटरी से वो गाड़ी चली गई है, ठीक है, तो उसको पटरी पे लाना है, राइट। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन माँ को बताना है कि अगर उसने बच्चे ने जो माँ ने जो बनाया है खाना वो नहीं खा रहा है, तो उसको भूखा छोड़ो, उसको पानी दो, पानी चलेगा, मतलब उसका डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बच्चे ने नहीं खाया चलो मैं उसको हलवा अच्छा लगता है तो मैंने उसको हलवा बना दिया, नहीं उसको दूध अच्छा लगता है तो मैंने उसको दूध दे दिया, क्योंकि उससे उसका पेट तो वो भर जाएगा उसका पेट, लेकिन तो उसकी जो आदत है वो बिगड़ जाएगी, है कि नहीं। तो आपको बोलो कि चलो एक दिन का उसने खाना नहीं भी खाया, उसको पानी दे दो, वापस आएगा वापस गए तो आपको बता रहा है आपने बाहर का कुछ दे दिया तो वो खाने पे कभी नहीं आ पाएगा। अमेरिका में उसको बाहर से वो उसको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा रोएंगे तो माँ जो मेरे को पास्ता देगी पिज्जा देगी जो भी देगी वो देगी, लेकिन उसको मालूम था कि वो कैसे भूख लगेगी तो खाना खाएगी, तो उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद खाना खाया, पानी पिया, मैंने भी पानी पिया, मैंने भी खाना नहीं खाया था, कंप्लेन बहुत ज्यादा रहती है। एक और सवाल है विवेक दुबे ने चैट बॉक्स में लिखा है, वो पूछ रहे हैं कि जब बच्चे के दांत आते हैं और उसको बुखार भी आता है तब उसको किस प्रकार का खाना देना चाहिए। तो जब दांत आते हैं तो उनका बुखार एकदम 99 जितना होता है, अगर ज्यादा हुआ दैट मीन्स देयर इज सम इन्फेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली बुखार में ना कभी कभी थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट स्टूल हो जाता है, जैसे हमारा जो यू नो दैट वॉश क्लॉथ होता है ना, जैसे छोटा सा टॉवल छोटा सा यू नो जैसे हम लोग मुंह साफ करते हैं उसको हम लोग माँ को बोलते हैं कि ठंडे पानी में उसको भिगाओ और बच्चे को दो, तो बच्चा ना वैसे चबाने लगेगा वो टॉवल और वो ठंड से वो उसका पेन भी चला जाएगा। So we say that, we say not to basically change any food or anything, कुछ भी खाएगा, इनफैक्ट वो लोग को तो चबाने वाला बहुत अच्छा लगता है, तो अगर संतरा है तो अगर आपने संतरे को देंगे तो संतरा वो चबाएगा, या तो कुछ भी है अगर केले तो केले को भी वो चबाएगा, सॉफ्ट कुछ भी वो सॉफ्ट है ना फिंगर फूड, ठीक है, तो फिंगर फूड आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं है, कुछ भी हार्ड
हार्ड चीज है ना, या तो कोई भी है चीज जो एकदम निकल जाएगा बच्चा, मतलब जो वो ड्रग्स आते हैं ना, ड्रग्स क्या बोलते हैं उसको, लाइक ग्रेप्स, तो दैट ऑल्सो चाइल्ड कैन चोक. तो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे वो उसको गले पर जो फंस जाए, ठीक है. लेकिन ठंडा, कुछ भी ठंडा उसको, दैट विल हेल्प विद द पेन. और बहुत दर्द हो रहा है तो सब थोड़ा सा बेटा डॉक्टर को दिखा के वो डॉक्टर कुछ दवाई देके देगा. लेकिन आई डोंट रिकमेंड कोई केमिकल मत दो आप मुझे. और कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे किसी साथी का? और कोई सवाल है? यू नो वन मोर थिंग डॉक्टर स्मिता, हम लोग एक्चुअली क्योंकि स्लम में बहुत हम लोगों ने काम किया है ना, तो वहाँ पे जो नॉन वेज बच्चे आते थे ना हमारे पास, तो वो लोग ज्यादा से जैसे कुछ भी उनके पास से सीखते थे, मदर के पास से. क्योंकि जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छ आहार, जरूरी है.
और मनीष उजेनिया का एक सवाल है कि बच्चे के जन्म के तुरंत के बाद दूध नहीं आता माँ को, तो फिर उनको क्या पिलाना चाहिए? या ये ना बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है. यू नो मैं इसके बारे में तो मैं 3 घंटा लेक्चर ले सकती हूँ. लेकिन मैं आपको ना मिस्टर मनीष आप एक काम कीजिए, ये जो मैंने आपको हेल्थ स्मोको ट्यूटोरियल के जो यूट्यूब चैनल का नाम दिया हुआ है उसमें से आप पहली दो वीडियो है, एक तो है क्रॉस क्रिडल टेक्निक और दूसरा है लैचिंग, आपको उसमें ना 45 पॉइंट जो मैंने दिए हुए हैं 45 पॉइंट्स काम चलेंगे. आप देखो आपको आपको पता चलेगा कि हम लोग को कितना नॉलेज हम लोग को नहीं था इन सब, यू नो आई मीन. और दूसरा एक बहुत अच्छा मैंने दिया है ब्रेस्ट क्रॉप में, ठीक है. तो ब्रेस्ट क्रॉप में आप देखो चूसना चालू करेगा वो तो भगवान की देनी है, नेचर है, तुरंत ही दूध चालू हो ही जाएगा. आप बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन गो विद पॉजिटिव. इसमें मैम ऐसा होता है कि कभी कभार जो माँ होती है उसकी उम्र कम होती है, यानी 18 साल से भी कभी कभार ज्यादा को उसकी माँ बन जाती है, तो उसमें ऐसा तो कुछ ऐसा होता नहीं कि एज कम होने से भी दूध ना पीला ना संतान ना करा सके ऐसा ना 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 ना. ऑक्सीटोसिन अगर ऑक्सीटोसिन कम हो गया, माँ को स्ट्रेस है, टेंशन है, सास ये बोल रही है, माँ ये बोल रही है, कुछ और यू नो हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, तो वो टेंशन के दूध तो बनेगा लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा. तो मतलब आपको सबको वो काउंसलिंग प्रेगनेंसी में देना है कि जितनी वो ममता माँ में जागेगी ना, ममता कभी जागती है, लव कभी जागता है, जब भी हम लोग खुश होते हैं तो माँ को खुश रखना है, ठीक है. इवन इवन आफ्टर डिलीवरी मतलब वो माँ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है. दूध तो आएगा, जैसे बच्चा किसी का दूध आएगा जी. उस समय ऐसा कुछ खाने में ऐसा कुछ खाने के तो यू नो मिस्टर मनीष एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टडीज हुए हैं, वो बोलते हैं कि गैलेक्टोकॉक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए. हमारे जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम लोगों ने कभी भी माँ को अगर माँ लेती है तो ठीक है, हम लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्निक पे फोकस करते हैं. जो टेक्निक होता है ना कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, उसको कैसे ब्रेस्ट को पकड़ना है, वो एक बार टेक्निक आ गया ना तो अगर माँ कुछ भी कुछ भी नहीं लेगी तो भी दूध आएगा, ठीक है. यस यस, वो टेक्निक है, 45 पॉइंट है, 45 पॉइंट है, ठीक है. तो आप इतना डोंट बी यूज. और दूसरा क्या है, अगेन हमारे हम लोगों ने लैक्टेटिंग मदर्स को अगर वेजिटेरियन है तो कौन सी रेसिपीज बना सकती है, और अगर नॉन वेज है तो कौन सी रेसिपीज बना सकती है. उसमें हम लोगों ने बहुत सारे गैलेक्टोकॉक्स भी डाले हुए हैं, मतलब मसाले मेथी है, अपने सहजन के पत्ते हैं, यू नो सम ऑफ दिस आर प्रूवन टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, यू नो. सो वो रेसिपीज के विषय में आप देखना. मैं इसके साथ जस्ट जोड़ना चाहूंगी कि माँ का पोषण बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि माँ को पोषण मिलेगा, पोषण से केवल आहार नहीं लेकिन देखभाल भी, तो मुझे लगता है कि काफी तकलीफें उसकी कम हो जाएगी. इसका अभ्यास ऐसे हुए हैं कि चाहे कितनी भी कमजोर माँ है, अपने बच्चे के लिए जरूरी स्तनपान तो वो करवा ही सकती है, उसको उतना दूध तो उतरेगा ही, लेकिन माँ का शरीर है वो कमजोर हो जाएगा. तो कृपया माँ को न भूलें और माँ के ओर भी ध्यान दें, और ये पहले से दें, एक बार तकलीफ हुई उसके बाद न जाके पहले से ही ध्यान दें. और कोई अगर सवाल हो तो, हाँ एक CRPR से सवाल है कि 2 साल के बच्चे भी खिलौने मांगते हैं और हर घंटे में
तैयार नाश्ते मांगते हैं और नहीं तो रोती रहती है। यस यस, तो ये ना एक्चुअली अगर आप ऐसा खाना देंगे जिससे उसकी शरीर की पुष्टि हो, राइट, तो अगर आप ऐसा खाना देंगे तो उसको बार बार भूख नहीं लगेगी। भूख कभी लगेगी? जब भी वो ऐसा खाना खाएगी जिसमें पोषक तत्व ही ना हो। मतलब अगर उसने एक बिस्किट खाया, ठीक है, वो बिस्किट कोई भी बिस्किट है, चलो मारे ले लो आप, मारे में क्या होता है, मैदा होता है, शक्कर होता है कि नहीं? अभी वो उसकी अब उसकी बॉडी को वो शक्कर और मैदा नहीं चाहिए, उसकी बॉडी को चाहिए वो पोषक तत्व, राइट। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो हर आधे आधे एक एक घंटे में कुछ ना कुछ तो मांगती रहेगी जब तक वो उसका बॉडी को पोषण नहीं मिल रहा है, राइट। सेकेंड थिंग क्या है कि जब भी हम लोग शक्कर देते ना बच्चों को शक्कर, राइट, तो शक्कर बेसिकली कॉजेस, मतलब जैसे आपने शक्कर वाला खाना दिया, गुड़ वाला खाना दिया, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके बॉडी में शुगर तो बढ़ जाएगी, यू नो इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, राइट, लेकिन उससे क्या होगा कि इंसुलिन, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं ना जहाँ से इंसुलिन निकलता है, तो वो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो जैसे वो इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है वो शक्कर का लेवल डाउन हो जाते हैं, मतलब ब्लड में शक्कर का लेवल कम करेगी। तो जैसे वो शक्कर का लेवल कम हो रहा है तो उसका ब्रेन जो है, उसका बच्चे का जो दिमाग है, वो बोलेगा अरे मेरा शक्कर चीज चाहिए, मेरा शक्कर चाहिए, क्योंकि वो जो दिमाग है दे विल नीड ग्लूकोज, राइट। तो वो हमेशा इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट कि हम लोग ऐसा खाना दें जिसमें शक्कर ना हो, जैगरी ना हो, ठीक है, और उसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब लोग प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है तो वो एकदम धीरे धीरे पचन होता है उसका, तो बच्चे को और एक एक घंटा भूख में है, तो वो आपको जरा ध्यान में रखना है कि कौन सा खाना देना है, ठीक है। और यही बात गर्भावस्था में माँ के साथ होती है कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि गर्भावस्था में मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, हीट खाने की, पैन खाने की, ऐसी स्लेट की पैन खाने की इच्छा होती है। तो यदि माँ को पर्याप्त पोषण मिलता है और ठोस खाना मिलता है तो ये इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। तो दोनों ही जगह ये बात बिल्कुल सही रखती है। और हमारे डॉक्टर स्मिता, आप देखना, आप अगर कोई ऐसा खाना खाएंगे जिस बहुत ही पौष्टिक खाना हो या प्रोटीन से भरा हुआ हो, अच्छे फैट से भरा हुआ, तो आपको भूख नहीं लगेगी, यू नो, दो तीन चार पांच घंटा भूख नहीं लगेगी। लेकिन आपने ऐसा कुछ खा लिया जिसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको वापस एक घंटे में भूख लगेगी, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट करना। जितेंद्र मलेरिया का एक सवाल है कि यदि एक साल का छोटा बच्चा है और वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो कब तक माँ का दूध दे सकती है बच्चे को? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं आगे का जो दूध आता है उसमें वो ज्यादा प्रोटीन और वाटर होता है, मतलब पानी, राइट। पीछे का जो दूध आता है घाड़ा वाला उसमें होती है चर्बी। तो जितना बच्चा चर्बी वाला दूध पिएगा उतना उसका दिमाग तेज होगा, उतना उसका वजन भी बढ़ेगा, राइट। तो आपको क्या बताना है आपको कि एक बाजू का जो स्तन है ना वो एक बच्चे को दे हमेशा, और दूसरा वाला स्तन है वो दूसरे बच्चे को दे, तो दोनों बच्चे को आगे का भी दूध मिलेगा और पीछे का भी दूध मिलेगा। वरना क्या होगा कि वो माँ एक बच्चे को दोनों बाजू का दूध मिलाएगी और वो जो दूसरा बच्चा उसको सिर्फ पीछे का थोड़ा गाढ़ा दूध मिलेगा, राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है सप्लाई डिमांड का प्रभाव होगा, सप्लाई डिमांड, जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई, ठीक है। तो अगर बच्चा एक बाजू से आधा घंटा दूध पी रहा है तो वो बाजू से बहुत दूध आएगा, मतलब जितना हो। और दूसरा क्या है कि माँ को बोलो कि वो जो ब्रेस्ट है वो चेंज करे, यू नो आई मीन, इसका एक साइड में एक बच्चे को और दूसरे साइड में दूसरे बच्चे को करेक्ट, करेक्ट, यस। क्योंकि आगे का दूध और पीछे का दूध दोनों जरूरी है दोनों बच्चों का। वो अभी एक बच्चे को 15 मिनट दिया एक बार, दूसरे बच्चे को 15 मिनट ऐसा आप टाइम मत वो करो। क्योंकि अगर देखिए मैं बताती हूँ, हाँ, अगर कोई बच्चा है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसका सकिंग बहुत स्ट्रांग है, वो तो 5 मिनट में ब्रेस्ट को वो खत्म कर देगा, फिर आप बोलेंगे 15 मिनट तो वो बोलेंगे
विद, आपको क्या बोलना है कि जितना पूरा छाती उसका खत्म हो जाए यू नो तब तक मिलाना नहीं, अगर बच्चे को ज्यादा देना है तो ज्यादा दे दो, इट्स ओके यू नो, बच्चे को डिसाइड करने दो, आप माँ को मत बोलो कि माँ डिसाइड करे, है ना। उनको बिल्कुल बिल्कुल मैंने बताया ना, ये तो टीचर का सवाल है, कभी कभी हमारे पास नहीं आते तीन बच्चे जो अभी प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा छोटा होता है एक तो वो बच्चे को दूध पिलाना बंद करती है, जो बिलीफ है ऐसा की। अभी जो आपसे हमने जो अच्छी जानकारी आगे हम ऐसा फील्ड में उसको समझाएंगे कि दोनों को भी मिल जी। I think your voice is muted. और सवाल भी आ गए हैं। ज़हीना भी ने पूछा है कि प्रोटीन एलर्जी है तो प्रोटीन की पूर्ति कौन से खाने से मिलेगी बॉडी को? So normally small babies have cow milk protein allergy. माँ का जो माँ का तो बच्चा है वो माँ का दूध का एलर्जी हो ही नहीं सकता। There is only one condition where child may not tolerate mother's milk. There is only one condition, mouth है, protein allergy मत बोलो, आप बोलो cow milk protein allergy। वो गाय का दूध तो वो तो आपको गाय का दूध तो देना ही नहीं है, formula भी नहीं देनी है, right? और कभी नहीं से ना तो मेरी कुछ research हो चुका है cow milk protein allergy को जो नहीं है, जो वो करना ही है आपको, राइट। तो जो बच्चे का सपोज आपने शीतल नहीं का पाउडर चालू किया खिचड़ी के साथ, राइट, तो अगर आपने जल्दी चालू किया छह महीने के बाद, मतलब छह सात आठ महीने में चालू किया, वो बच्चों को एलर्जी बहुत कम हो रही थी। और जो बच्चे एक साल के बाद जो खाना चालू कर रहे थे, मतलब एक साल के बाद, बहुत सारी ऐसी मदर है कि एक साल के बाद वो अंडा देगी, एक साल के बाद वो चिकन देगी, एक साल के बाद वो कुछ नट्स देगी ऐसा, तो जो एक साल के बाद जो चालू करे थे उन पर एलर्जी होने को चांस होता है। तो मतलब आपको माँ को बताना है कि प्रेगनेंसी भी खाना है उसको, लैक्टेशन टाइम में भी माँ को सब खाना। हाँ, अगर काउ मिल्क एलर्जी प्रोटीन है बच्चे को, कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत रोता है, मतलब यू नो फर्स्ट टू वीक्स थ्री वीक्स चार वीक्स यू नो जब भी माँ को दूध देते हैं तो रोता है। तो कभी कभी एज अ पीडियाट्रिशियन वी टेल मदर्स कि हो सके तो एक दो हफ्ता माँ के दूध में, माँ का जो खाने में हम लोग डेरी बंद करवाते हैं, ओके। और हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ऐसा लगे कि आपने आपने अपना डेरी बंद किया, मतलब वो जो माँ जो दूध पीती है ना, तो अगर वो बंद करने से अगर बच्चे का रुकना अगर कम हो गया, उसका मतलब कि डेरी में खाने से एक और सवाल है भानु मकवाना का, वो पूछ रही है ट्विंस बच्चों को कैसे दूध पिलाना है, टाइम कैसे तय करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये ना एक बहुत ही वेरी नाइस मोड है, फुटबॉल मोड, ठीक है। वो उसका भी हम लोगों ने वीडियो दिया हुआ है कि फुटबॉल मोड में माँ कैसे पहले एक बच्चे को पिलाएंगे, फिर दूसरे बच्चे को कैसे, मतलब जितना हो सके आप अगर साथ में पिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है हम लोगों ने ये भी देखा है फिल्म में कि हमेशा एक बच्चा रुकता है ना दूसरा बच्चा रुकना चालू ही हो जाता है, राइट। सो यू नो फुटबॉल मोड इट्स वेरी पावरफुल मोड, बहुत ही
अगर क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, जो माँ का दूध है ना उसमें टाइप 2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। टाइप 2 जो मैंने बताया था ना आपको कि ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, यू नो जिंक, यू नो प्रोटीन, फैट। तो अगर आपने सोचो कि 4 महीने का बच्चा जो अच्छा टाइप 2 वाला खाना खा रहा है, मतलब माँ का दूध, वो आपने निकाल दिया और फिर आप बच्चे ने मदर ने चालू किया चावल का पानी, चावल के पानी में आपके बच्चे को क्या मिलेगा? अब समझ रहे हैं कि क्या किसके बाद में, राइट? तो मतलब वो डिस्प्लेस मदर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ये भी आया है कि कभी जब ट्विंस होते हैं और अगर एक बच्चे की सकिंग एबिलिटी अगर कम है, तो उसके लिए वो एबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उंगली उसको बच्चे को थोड़ा ऐसे ट्रेन करो कि कैसे उसको सब करना है। ठीक है, चौथा क्या है कि अगर आपको लगे कि बच्चा सब नहीं कर रहा है, तो आप अपना दूध निकाल के मैनुअल एक्सप्रेशन बोलते हैं, पंप नहीं यूज करना है, प्लीज डोंट यूज पंप, मैनुअल एक्सप्रेस करके वो बच्चे को अपना दूध बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन वो पिलाने के पहले माँ को बोलो कि एटलीस्ट डायरेक्ट लैचिंग पहले कराए, वो डायरेक्ट लैचिंग कराने कभी बच्चे से नहीं करो। ठीक है, माँ को मैनुअल एक्सप्रेस कैसे मिला उसका पूरा टेक्निक है, क्योंकि अगर आपने माँ को सिखाया नहीं तो माँ को दूध नहीं आएगा और माँ को टेंशन हो जाएगा कि अरे मुझे दूध नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो उसका भी वीडियो हम लोगों ने आई टी बॉम्बे के डॉट में डाला हुआ है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, फिर कैसे उसको स्टोर करना है और कैसे वो दूध पिलाना है, ऐसे 3 वीडियोस है। ठीक है, तो ये सारा आपको उसमें लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग वीडियोस, प्लीज वॉच इट। ये चित्रा आर्य का सवाल था और अब अगला सवाल सुरेश निकाले का है। वो पूछ रहे हैं कि गर्भ धारण के पश्चात भी वीएनए पीता है माता, तो ये सुरक्षित है क्या? एब्सोल्युटली सुरक्षित, एब्सोल्युटली। और कोई सवाल? दूसरा क्या है कि कभी कभी बच्चा अपना दूध निकाल के मतलब वो मतलब हॉस्पिटल में देना है, अगर थोड़ा भी बच्चे को माँ का दूध मिलेगा बच्चे की जान बच जाएगी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा एडवाइस देना है कि अगर बच्चा एडमिट भी है तो भी आप बोलना मत, आपका दूध निकाल के दे हमारे पास 2 सवाल है। ऋषिका पूछ रही है कि ब्रेस्ट पंप के साइड इफेक्ट क्या है, पूछ रहे हैं कि बच्चे के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो वो
निकाल दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के बॉटल में दूध देना बहुत ईजी है, ठीक है। वो बच्चे को मदर को लैक्टिंग सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मदर्स क्या करती है कि अच्छा नहीं बच्चा नहीं चूस नहीं रहा, बच्चा रो रहा है, चलो मैं अपना पंप निकाल के उसको बॉटल में बच्चे को दे दूंगी। वो गलत चीज है, मतलब माँ को सिखाना है टेक्निक, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो ब्रेस्ट पंप होते हैं तो वो बराबर साफ नहीं होता है। बच्चे के पेट में क्यों डालने हैं, राइट। सो यू जस्ट रिमेम्बर कि माँ को ये सब सिखाना है। कॉम्प्लिकेशन बहुत है, एंगोर्जमेंट होना, एब्सेस होना, यू नो ऑल दोस आर कॉम्प्लिकेशन ब्रेस्ट पंप, यू नो। सो आई डोंट रिकमेंड, इवन तो फिर पहले का मैं इतने साल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई विल नॉट रिकमेंड ब्रेस्ट पंप, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ बच्चे के मुँह में थाले पड़ना, राइट राइट। तो इनटू सो देयर आर डिफरेंट कॉसेस, डिफरेंट उसके कारण है। एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है थ्रश, आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करना है, क्योंकि जो बच्चे को मुंह में छाले होते हैं व्हाइट कलर के, वो थ्रश बोलते हैं, तो वो मदर को भी एरियोला निपल में लाल लाल रंग के वो लालाश होगी, उसको निपल सॉर्ट होते हैं, एक और सवाल है कि बच्चा अधिक रोता है, ज्यादा सोता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब भी वो निप्पल लैच करते हैं, मदर निप्पल लैच में क्या होता है कि जब बच्चा सिर्फ निप्पल पे लगा होता है ना, तो निप्पल में दूध नहीं होता है। बच्चे को वो जो नीचे का जो काला भाग है, वो जहाँ पे नीचे के होते हैं, वो वाला काला भाग अगर उसके मुंह में नहीं गया, तो वो माँ को बता रहा है कि मुझे दूध नहीं आ रहा है, कुछ तो करो। वो माँ समझ नहीं रही, माँ को नहीं मालूम है, राइट। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है रोने का, इज दैट कि वो लैचिंग ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि भूखा होगा तो बच्चा रोएगा ही। दूसरा कारण है, अगर बच्चे का मतलब उसने अगर सुसु किया है, या तो कुछ खेला है, या तो उसको कुछ छू पड़ा है, राइट, तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉलिक, उनको बोलते हैं कॉलिक। तो दो हफ्ते के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उसका हम लोग को उसका कारण कभी भी मालूम नहीं है। मतलब देयर आर ऑलवेज हाइपोथेसिस है कि थ्योरीज है कि ये होता होगा, पेट में गैस होता होगा, ये होता होगा, लेकिन उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि बच्चा ऐसे क्यों रोता है, राइट। तो उसको वो कोलिक है, तो आपको माँ को सिखाना पड़ेगा कि वो बच्चे को सूदिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग माँ को बताते हैं कि कभी कभी अगर आप बच्चे को ऐसे छोटे पे रखेंगे और गाना गाएंगे, या तो चलेंगे पास, या तो कुछ कुछ आवाज मतलब माइक नॉइज पीछे कुछ फैन की आवाज ऐसे कुछ होगी, तो बच्चा चुप रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सूदिंग टेक्निक्स है, ठीक है, तो वो आप माँ को सिखा सकते हैं। लेकिन वो ये सब मतलब एक के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि इसका रोने का कारण क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जैसे मैंने बताया वो निपल लैच है, अगर निपल लैच है तो दूध नहीं आएगा, बच्चा रोएगा। एक सवाल है मुमताज बेगम का कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके आहार में? या तो जैसे मैंने बताया मालूम है सप्लाई डिमांड, जितना बच्चा डिमांड करेगा, डिमांड निकलेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके अलावा दरअसल 10 टेक्निक्स
फिजिकल टेक्निक्स है जो हम लोगों की वीडियो में दिखाई हुई है. वीडियो का नाम है फिजिकल मेथड्स टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. मतलब शारीरिक आप क्या कर सकते, मतलब क्या कर सकती है जिससे मदर का दूध बढ़ेगा. तो उसमें आप प्लीज आप अगेन इट्स अ वेरी यू नो आई डोंट नो स्पेंड टू मच टाइम बट देयर आर 10 टेक्निक्स यू नो एक्सप्रेस करना है. दूध खिलाने के बाद भी आप निकाल लेगी तो दूध बढ़ेगा. यू नो गर्म पानी का शेक करना है, गेम से करना है, ऑल दिस पॉइंट्स आर. एक अंतिम सवाल है समय की मर्यादा को देखते हुए और वो विजय ने पूछा है कि कुछ लोग बच्चे को सेरेलैक बोर्नवीटा कॉम्प्लान पिलाते हैं, क्या ये ठीक है? अच्छा अभी मिस्टर विजय मैंने अब भी आपको बताया कि क्या खाना नहीं देना चाहिए. मैंने बताया क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए. तो उसमें सबसे पहले क्या आया था, शक्कर आया था. राइट, आपको मालूम है कि सेरेलैक बोर्नवीटा कॉम्प्लान वो सिर्फ शक्कर ही है, मॉल्ट है, शक्कर है कि नहीं, शक्कर है उसमें. फिर सारे कितना सारा प्रोसेस ये यू नो प्रिजर्वेटिव्स है, सब कलर्स डाले हुए हैं, सम ऑफ देम इमल्सीफायर्स, ये सब आपको लगता है कि बच्चे के लिए सही है? नहीं, आप मतलब बिल्कुल ये सब सोचिए मत. बस माँ का दूध, घर का खाना, सकेला भट्टा अगर पूछ रहे हैं गर्भावस्था के दौरान माँ अगर दूध पिलाती है तो बच्चा कमजोर क्यों होता है? गर्भावस्था में नहीं, बिल्कुल पता है कमजोर क्यों होता है, क्योंकि माँ को सही तरह की टेक्निक नहीं मालूम होती. तभी एक बार वो टेक्निक आ गई ना, आप देखना आपके छह छह महीने के बच्चे 8-8, 9-9 किलो के हो जाएंगे, प्रॉमिस. ठीक है, तो ये सिर्फ आप जस्ट फोकस ऑन द स्किल. बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए, जुड़ने के लिए, और चेतना की ओर से डॉक्टर रूपल मैं आपको स्पेशली थैंक यू कहती हूँ कि आपने अपना समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और सब लोगों के सवालों के उत्तर भी दिए बड़े पेशेंस के साथ. सो थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए. हमारे बहुत सारे सहभागी, एक टाइम पे 110 के जितने लोग जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. कार्यक्रम के आयोजन में चेतना टीम के बहुत सारे लोग जुड़े थे, मालव कपासी जिन्होंने पूरा ये टेक्नोलॉजी को हैंडल किया, गौरा जिन्होंने पूरा इसको सपोर्ट किया, हमेशा जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन का काम किया. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. और ये चेतना का पहला इस तरह का वेबिनार था जो हम फेसबुक लाइव में भी कर रहे हैं. और thank you for being the first one to join Chetna in this initiative, Dr. Rupan, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और ये शुरुआत है, हम इसी प्रकार से आगे जुड़े रहेंगे और अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया. सभी को नमस्ते. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर स्मिता, थैंक यू सो मच. और मैं भी हूँ, you know, we keep doing this and we can take one